धार जिले के कुंची तहसील के बाग नगर में बाग प्रिंट के महान कलाकार मोहम्मद यूसुफ खत्री मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ने सभी देशवासियों को रमजान महीने में घरों में रहकर इबादत करने एवं कोरोना वायरस से निजात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ खत्री हमेशा ही समाज में अहम भूमिका निभाते हैं और समाज हित पर ध्यान भी देते हैं। अभी बाग प्रिंट छपाई कारखाना बंद होने के कारण कितने मजदूर हैं जो फिलहाल बेरोजगार हैं, इसके बावजूद उन मजदूरों की वह मदद कर। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं हिंदुस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसमें तमाम मुसलमान भाइयों को इबादत करना है और तरावी की नमाज घर में पढ़ना है और अपन मस्जिदों में ज़्यादा लोग इकट्ठे न हों। और सरकार ने जो लॉकडाउन बढ़ा दिया है 3 तारीख तक, उसका पालन करना है, घरों में रहना है, घरों में इबादत करना है, अल्लाह की इबादत घरों में करना है। और ये कोरोना वायरस खतरनाक घातक बीमारी है, इससे हमें बचना है और सरकार और डॉक्टरों ने बताया उसका पालन करना है, ताकि हम लोग इसका ध्यान रखें कि दूर दूर रहें, छेटी बना के रखें और गरीबों की मदद करें। ये मुकद्दस महीना है, इसमें अल्लाह से दुआएं करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ये बीमारी ख़त्म हो जाए और पूरी दुनिया अमन अमान में हो जाए। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना है, इस बीमारी से निजात के लिए दुआ करना है और सब गरीब भाइयों की मदद करना है। इसमें कोई जात देखना नहीं है, किसी की भी मदद करना है, क्योंकि ये ऐसी आपदा की घड़ी है कि मतलब कोई हिंदू मुसलमान कोई देखना नहीं है। जो भी गरीब हो, परेशान हो, उसकी हम लोगों को सबको मदद करना है।